ठंडा आ गया भाई, गालां खा गए बंदे याद ही बड़े करते पे से, मैं क्या वापस जाना पड़ा। चल किसी ने कख याद नहीं किया, एक कमेंट आया है मेरे भरा का। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। यार आज का सीन ज़्यादा नहीं है, काफ़ी टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से मुझे पर्सनल मैसेज भी आया और कमेंट्स में भी आया था कि सियालवी टी स्टॉल जो सा है साहिवाल में फेमस, उसका चीज़ पराठे का रिव्यू कर दिए। सुबह का टाइम है, अराउंड 7:45 का टाइम है, स्कूल लगे हैं बच्चे शश पश, कभी इधर शू कर दें मोटरसाइकिल जा रहे, कभी इधर शू कर दी बस जा रही, चिटा सूट उठ के बेचारे ने प्रेस करके सुबह सुबह पहने कि आप लोगों के सामने दोबारा आना है वीडियो में तो मैं अच्छा लगूं सोना लगूं। चौधरी चौधरी वाले गाला भैया सूट रख ले नाला रखे जरा उतो नाला लेना भूल गया तो हुने ना मांगवा ये मांगवा नाला पहन मांगवा नाला सलवार में डाल के पहन के ये भाई ने सूट पहना है और हम अब आ गए खाने। My gloves up off the mat, fighting's all I ever had. Wasn't born with tons of gifts, had to work hard as a kid. Know that everything I did was to catch the other kids. Slowly built that self-esteem, turned myself to a machine. I'd compete to वो ये बस्ता क्यों साथ लेके घूम रहे हो? ब्रो ये बस्ता साथ लेके इसलिए घूमना पड़ता है कि यू नो ट्राइपॉड होता है और बाकी चीजें होती हैं। अगर तो यार आप लोग चीज़ लवर है ना तो इनका चीज़ पराठा आपको पसंद आएगा। यहाँ का जो चीज़ पराठा है, हमने एक बोल खाया है चीज़ पराठा आ गया, उसके साथ साथ करना रिव्यू ही करना आया सियाल। मैंने ये चीज़ पराठा पहले खाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ पराठा खाया नहीं। अब मैं टिशू तंगर जा रहा है, मैंने ऐसे को लिया चीज़ पराठा बिस्मिल्ला। चीज़ की अच्छी खासी पुडिंग डाली की हुई है इन्होंने, साथ चार दे रहे हैं और उसके साथ साथ रायता दे रहे हैं। नाइस, रियली नाइस। चिकन चीज़ पराठे की प्राइस है 280। गर्म गर्म लाए साथ चाय का एक कप मंगवाएं, ओहो मैं कहता हूँ कि अब अलग ही वाइब में जाएंगे। इतना पराठा होता ही है ऐसे। मैंने बहुत देर पहले इसको ट्राई किया था तो क्या करते थे ताकि पराठे के सेंटर में ना एक चीज़ की स्लाइस रख देते थे जिसकी ना उन्होंने कह दिया चीज़ पराठा। अब पूरे पराठे के अंदर जितना चिकन फैला के लगाते हैं उतनी एरिए में ये साथ चीज़ लगाते हैं, उसकी वजह से जो उसकी एक वैल्यू और जो वर्थ बन रही है ना वो बड़ी क्लासिक है। मेरे लिहाज से रिकमेंडेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका चीज़ पराठा। ऐसा इस तरह की चीज़ पराठा मैंने अभी तक साहिवाल में नहीं खाया। अगर किसी और जगह पे इससे अच्छा मिलता है आपके लिहाज से तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं, मैं वहाँ जाके भी उसका भी रिव्यू करूँगा, उसका भी टेस्ट करूँगा। क्या चढ़ गया, गल्ला बहुत करनी है। इसने पानी मुझे सिर्फ इसलिए पिलाया था कि मेरा पेट फुल हो जाए फिर मैं थोड़ा खाऊं। साथ गुड़ वाली चाय है, आपने देख लिया बनाते हुए, गुड़ भी डालते हैं। अच्छा ये हैरान हूँ मैं, पैसे चाय देते हैं तो गुड़ भी डालते हैं और चीनी भी डालते हैं, मतलब शक्कर भी डालते हैं, दो चीज़ मिला के देते हैं। और हम सुबह टाइम आए तो ऐसा चाय का इतना रश नहीं था, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पतीले लगे होते हैं, केतलियाँ लगी होती हैं और धड़ाधड़ चाय बन गई होती है। अब मैं इनके इसका पराठा जो मैंने लगवाया वो है चिकन अचारी पराठा, आपने बनाते हुए देख लिया है। अंदर अचार का यूज़ करते हैं जो कि बैड क्वालिटी यूज़ नहीं कर रहे, डब्बे वाले चार जगह यूज़ कर रहे हैं। इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है सियालवी की, अगर आपसे पैसे ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर रिटर्न कर रहे हैं। लाइक ये चिकन जो ये अचारी पराठा है ये 180 का है और इसके अंदर इतना चिकन चीज़ में भी और अचारी पराठे में भी इतना चिकन डाला हुआ है कि आपका पेट फुल हो सकता है और आपको प्रॉपर एक टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पे अंदर पुडिंग्स आ रही हैं। बिस्मिल्ला, मुंह की स्माइल से ना आपको आइडिया हो जाता है। आहा नाइस यार, मैंने पहले बता दिया अगर आप चीज़ लवर हैं तो चिकन चीज़ पराठा ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट आपके पैसे वसूल हैं, आपको टेस्ट भी आएगा, आपको मज़ा भी आएगा। उसके लिए इतनी पुडिंग्स हैं कि आप कहोगे कि यार ये वर्थ रखता है। एक पर्सन के लिए आई थिंक इनफ है, एक पर्सन उससे फिलअप हो जाएगा, लेकिन साथ रायता शायता दिया उसके साथ ना खाइएगा, सादा ही खाइएगा, फर्स्ट बाइट सादा लेना, गर्म गर्म खाना। पराठों की बहुत ज़्यादा कैटेगरी है, लेकिन आपने इनका अगर ट्राई करना है चिकन चीज़ पराठा ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं कि चीज़ लवर है, अदरवाइज आप कर सकते हैं चिकन अचारी पराठा। चिकन अचारी पराठे का टेस्ट मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतना कोई मुँह में मेरे पानी आ रहा है, इतना कोई मज़ेदार टेस्ट है, कोई चटपटा सा बड़ा एक यूनिक सा टेस्ट बन चुका है और अचार की वजह से और इनका जो चिकन है उसकी वजह से तो मुझे तो खैर बहुत मज़ेदार लगा। पैसा कमाने के लिए बिजनेस के लिए सियालकोट गए हैं, लेकिन इशू इसके वापस आके भी कमीना बिल मैं दे रहा हूँ, रुपया नहीं काटता। क्या फ़ायदा है ऐसे जाके बिजनेस करने का, ऐसा कमाने का, जो तो पैसे मैं देने तो फिट में तेरे थे। जो जो भाई पूछ रहे थे और जो उन भाइयों की बहनें पूछ रही थी कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट वन टाइम ट्राई करना चाहिए। मुझे लगा मक्खी निकल आई है, मैं परेशान हो गया था लेकिन नहीं, मक्खी नहीं है, वो ना वो धनिया नहीं होता जो छोटा जहा सी तो साढ़े घर मिठाई आई। अच्छा तो गुलाब जामुन देते हैं ना, वो दूसरी मक्खी मरी हुई सी। मैं मामा को मामा मक्खी, मामा मैंने को नहीं पिस्ता वा पिस्ता फिर मखाया मैं क्या वेख एनक ला के वेख मक्खी है उस लाइन में सारे ब्रांड्स हैं तो वहाँ पे किसी से पूछने के यार ओल्ड पहले जे रोड कहाँ पे होता था, जे रोड ब्रांड जो है तो वहाँ पे आप आ जाए, उसके साथ आपको सियाल भी नजर आ जाएगा, वहाँ पे आप खाएं और इन्जॉय करें। हमने खाना जाना खा लिया, अब हम जरा लाम लेट वाले सीन में आप जहाँ से फारग हो कर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब करके जाना है, अगर किया हुआ है तो क्या ही बात है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दही साथ देते हैं, मुझे पता नहीं इनका दही का क्या कम्बिनेशन है, चीज़ फ्राइड के साथ दही अच्छा लगता ही नहीं है, तो दही वाला ना खाइएगा। अफे मक्खी आ गई नहीं पिस्ता, पिस्ता।